चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। ग्यारह हजार एक सौ अस्सी और ये 11,060 का एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, ये हमारा रिट्रेसमेंट 62% हो जाएगा ऊपर से। और मेरा जो मानना है कि बाजार 11,080 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, जब ये जब रैली शुरू हुआ था, इसका टॉप जो था ये टॉप था, तो यहाँ से एक तरीके से ये गैप अप ओपनिंग तो ये हुआ है, लेकिन ये लगातार ऊपर की तरफ चला है, तो कहीं ना कहीं 11,180 से लेकर के 11,055 के बीच में एक बॉटम बनना चाहिए, तो ये बाजार यहाँ से एक हेल्दी साइन हो जाएगा और फिर अच्छा खासा तेजी आ सकता है 12,200 के टारगेट के लिए। 29 सितंबर आज 26 सितंबर है, 29 सितंबर संडे है, तो 30 सितंबर से लेकर की और कल का एक डेट है 27 सितंबर, मींस की छुट्टी होने के कारण 27 सितंबर से लेकर के 30 और 1 अक्टूबर, ये 3 दिन का पीरियड है जिसमें ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और इस ट्रेंड रिवर्सल में एक अच्छा खासा बॉटम बनता है जो कि 11,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूटेगा तो 11,180 और 11,080 तक का डाउनसाइड देख सकते हैं, वरना 11,720 के ऊपर सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग देर, इंट्राडे में बेशक वहां चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 11,720 के ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर देगा तो मेरा व्यू चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल होने के 99% चांसेज है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल व्यू है, न कि मैं कोई भी सलाह दे रहा हूँ कि आप यहाँ से निफ्टी को शॉर्ट करें, ये मेरा व्यू है और ये व्यू एज फॉर गैन टाइम साइकिल, एज फॉर गैन एस्ट्रो एनालिसिस के बेसिस पे मैं व्यू